आज के वीडियो की शुरुआत फ्रेंड खूबसूरत से पिटोनिया के साथ। और मेरे गार्डन में इतनी ब्लूमिंग हो रही है इस समय कि बस मैं आपके साथ साझा किए बिना नहीं रह पा रही हूँ। बहुत खूबसूरत ब्लूमिंग है और मन अति प्रसन्न इसको देख करके। आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना खूबसूरत जो है मेरा गार्डन लग रहा है। बहुत ही सुंदर पिटोनिया इतना भर भर के खिला हुआ है कि लग रहा है कि मैं किसी जो है फूलों की घाटी में आ गई हूँ। तो राजभवन में लगी ही प्रदर्शनी भी जो है मेरे गार्डन के सामने फीकी पड़ रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, आप बताना क्या वाकई में अच्छी ब्लूमिंग है या नहीं है। बट आज के वीडियो का टॉपिक फ्रेंड ये नहीं है। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहेगा वीडियो में। और कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपको दूंगी, तो वीडियो का जो विषय है वो ये है कि कैसे करके आप अपनी छत पर क्यारी बनाएं जिससे आपकी छत पर सीलन ना आए और आपको मिले ढेरों सब्जियां। तो किस प्रकार से आप उस क्यारी की मिट्टी बनाएं, तो सारा कुछ जो है आज की वीडियो में होने वाला है फ्रेंड। तो बने रहेगा वीडियो में और चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए फ्रेंड। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशा और आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में। तो मेरी खुशियों की बगिया का अंदाज़ा आप इन फूलों से लगा सकते हैं और किस प्रकार की ब्लूमिंग हो रही है। कुछ इस प्रकार का लुक आ रहा है इस समय मेरे गार्डन का और सो हैप्पी आई एम। तो आइए चलते हैं फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप भी उगाना चाहते हैं अपने घर में इतनी स्वस्थ वेजिटेबल्स, इतनी हेल्दी वेजिटेबल्स, तो देखिए आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप बनाएं अपने छत पर क्यारी और पूरी डिटेल के साथ, जिससे कि कभी भी आपके छत में सीलन की प्रॉब्लम नहीं होगी और इतनी हेल्दी वेजिटेबल्स आप भी ग्रो कर पाएंगे अपनी छत पर। तो ये देखिए, देखिए कितनी हेल्दी जो है मेरी गाजर हो रही है, गोभी हो रही है, लहसुन हो रही है, देखिए आप लेट्यूस है सारा, देखिए बहुत खूबसूरत बहुत हेल्दी। मटर देखिए आप कितनी खूबसूरत मेरी मटर लग रही हैं। तो अभी मैं इसके साथ साथ आपको इसके बारे में भी बताऊंगी और साथ ही में मैं करूंगी आपके साथ ढेरों हार्वेस्टिंग। तो आप देखते रहें और आप भी ले सकते हैं ऐसी हेल्दी वेजिटेबल्स का आनंद अपने टेरेस पर। तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, उसके लिए मैंने जो है क्या किया, सबसे पहले तो आपको जो है एक बैलेंस अपनी मिट्टी का बनाना है। पहले आपको सोचना है कि कौन सी जगह आपके लिए उपयुक्त रहेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो है ये सारा काम जो है फ्रेंड मेरा लॉकडाउन में हुआ और छत पर जो है मैंने ये देखिए आप इस तरीके से जो है मैंने ईंटें लगाई। इस तरीके से ईंटें लगाने के बाद जो है मेरे पास एक ये बाइसन सीट मुझे मिलती है, आप भी ले सकते हैं मार्केट से। मैंने बाइसन सीट जो है इसमें लगाई है और उसके बाद जो है मैंने इस तरीके से जो है ये ईंट है मेरी, तो बाइसन सीट के ऊपर जो है मैंने लगभग 3 ईंटों से जो है मैंने ये बाउंड्री वॉल बनाई है। और फिर मैंने इसके अंदर जो है मैंने इसके अंदर के लिए मैंने सॉयल बनाई है। तो वो सॉयल जो है मैंने उसमें जो है मैंने कोकोपीट 30% कोकोपीट, 30% जो है रेत और 30% सॉयल और 30% जो है मैंने उसमें मतलब वही सारा जो है 25-25 का जो है मैंने उसमें जो सारा मिक्सचर करके और 100% मैंने इसकी मिट्टी बनाई है। उसमें मैंने जो है कोकोपीट ज़्यादा कर दिया था, एक रेशियो मैंने ऐसा रखा है कि जिससे मुझे कोकोपीट थोड़ा ज़्यादा मिल जाए और इस पर ज़्यादा भार ना आए, ये हल्का मतलब इसमें हल्कापन ज़्यादा रहे। और बहुत ही बुरबुरी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हाथ लगाने पर ही आप देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो इस तरीके की इसकी मिट्टी है, पानी डलने के बाद भी जो है इतनी बुरबुरी मिट्टी है इसकी। तो इस तरीके से करी मैंने ये सॉयल तैयार और इस तरीके से जो है मैंने ये बनाई है क्यारी। और आज अगर आप देखेंगे तो इस क्यारी से जो है मुझे बहुत सारी जो है हेल्दी वेजिटेबल्स मिल रही हैं। और मैंने एक नहीं, मैंने जो है फ्रेंड 3 क्यारियाँ बनाई हैं। सबसे पहली जो मेरी एक क्यारी थी
इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो है मैंने इस तरीके से लिफ्ट करी, और इस पर जो मेरे ये जो घर जब बनता है, जब कंस्ट्रक्शन होता है जिस चीज़ में, तो ये टीन की जो सीट्स होती हैं, ये टीन की मेरे पास एक सीट बच गई थी, तो मैंने जो है इसको इस पर, ये देखिए, और फिर इसके ऊपर जो है मैंने इस तरीके से ईंट रख करके ये बाउंड्री वॉल तैयार करी, और इसके अंदर भी मैंने वही सारा, इसमें जो है फ्रेंड, इसमें मेरे पास मेरे, मैंने जो हमारा जब घर बना था, जो कंस्ट्रक्शन वर्क जब मेरा हुआ था, तो इसमें जो है मेरे पास वो बचा था लकड़ी का जो बुरादा होता है, मैंने लकड़ी का बुरादा जो है इसमें डाला, और लकड़ी के बुरादे से जो है मैंने ये सारी क्यारी बनाई। इसमें मैंने कोकोपीट नहीं मिलाया क्योंकि मेरे पास सफिशियंट मात्रा में लकड़ी का बुरादा था, और उस समय मेरी कोई भी प्लानिंग जो है दूसरी क्यारी बनाने का नहीं था, तो मैंने सारा इसी में डाल दिया था वो लकड़ी का बुरादा, और लगभग 50% इसमें लकड़ी का बुरादा था, और जो है इसमें 20% सॉयल और 20% जो है काउडंग थी। तो इस तरीके से जो मेरी ये क्यारी थी, सबसे पहले मेरी ये क्यारी बनी, और बहुत हेल्दी जो है इसमें मेरी सारी सब्जियां हो रही है। आप देखेंगे तो एक ही पालक का पौधा देखिए कितना हेल्दी हो रहा है, मटर देखिए आप कितने हेल्दी जो है ये लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं अपने छत पर क्यारी, और उगा सकते हैं ऐसी हेल्दी वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से एक क्यारी ये है, और एक फिर मैंने ये सेकेंड क्यारी बनाई, और उसके बाद मुझे लगा, जब मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने लगे, तो मुझे लगा कि मुझे और क्यारियाँ बनानी चाहिए। तो उसके बाद जो है मैं, और इसमें भी देखिए आप कितनी अच्छी जो है मेरी ये पालक और मूली, लेकिन सब पे जो है फूल आने लगे, मैं निकाल नहीं पाई पालक, अगर मैं निकाल देती तो शायद अभी ये फूल ना आते, पर चलिए कोई बात नहीं, फूल भी चाहिए ताकि दोबारा से जो है मुझे बीज मिल जाए। तो इस तरीके से बना, मैं इस तरीके की क्यारी ये सर्दियों के लिए बना देती हूँ फ्रेंड, सिर्फ सर्दियों सर्दियों में, क्योंकि पानी कम डलना होता है और मुझे धनिए जो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो सिर्फ धनिए के लिए जो है मैं एक इस तरीके की क्यारी बना देती हूँ। इससे मैंने कल सारा धनिया हार्वेस्ट कर लिया, अब इस पर फिर से न्यू ग्रोथ आएगी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं हार्वेस्टिंग भी फ्रेंड, और बहुत अच्छी जो है मटर हो रही है मेरी छत पर। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसी हेल्दी वेजिटेबल, तो बनाएं अपनी छत पर क्यारी, और क्यारी नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप गमलों में भी ग्रो कर सकते हैं। ये मेरी एक पुरानी बकेट थी और ये ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसमें जो है ये मिट्टी भर करके, और मैंने इसमें मटर के बीज डाल करके, और आप देखिए आज एक ही प्लांट पे देखिए मेरे कितने हेल्दी मटर हो, एक लग रहा है शिमला मिर्च का पौधा, कैप्सिकम, ये देखिए आप कितना खूबसूरत और कितना हेल्दी, देखिए है ना। तो इस तरीके से जो है आप भी कर सकते हैं अपनी छत पर गार्डनिंग। आइए और देखते हैं बोरियों और क्यारी बना करके, तो बहुत सारी सब्जियां जो है, लगभग मेरी अपनी फैमिली की सब्जी तो घर से निकल ही जाती है, और कई बार तो इतनी अधिक क्वांटिटी में निकल जाती है कि मैं इधर उधर भी दे ही देती हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं अपने घर पर हेल्दी गार्डनिंग और बेहतरीन गार्डनिंग, केमिकल फ्री गार्डनिंग, और कुछ दे अपने बच्चों को हेल्दी और विष मुक्त सब्जियाँ। प्लांट भी जो है मेरा एक आटे बैग में लग रहा है, और साथ ही में मेरे कुछ टमाटर भी, तो टमाटर का प्लांट भी ये लगभग ख़त्म ही हो चुका है, बट इसमें टमाटर हैं अभी, तो इसलिए मैं इसे उखाड़ नहीं पा रही हूँ, हटा नहीं पा रही हूँ, और साथ ही में लूँगी मैं कुछ पुदीना। तो ऐसी हेल्दी वेजिटेबल्स के लिए कि सब कुछ आपको अपने छत पर मिले, तो करिए छत पर गार्डनिंग, और जो जो टिप्स, केयर एंड टिप्स मैंने आपको बताई है वो सब आप करते रहें। छोटा सा मटर का प्लांट, और इस पर देखिए चार मटर इस पर भी, और ऊपर इस पर लग रही है पत्ता गोभी। आटे बैग का साइज़ देखिए और सब्जियों का साइज़ देखिए, ये देखिए ये मेरी जुकनी, और जुकनी रेडी हो चुकी है फ्लावरिंग के लिए, ये देखिए आप बर्ड्स बनने लगे हैं इस पर, और ये मेरी लौकी और वो भी जुकनी, और ये मेरे कुछ तोरी के पौधे, प्याज, ये देखिए मेरी हरी प्याज भी बहुत सुंदर हो रही है, ये देखिए बहुत हेल्दी, और साथ में पालक भी हो रही है बहुत सारी, मेथी देखिए, कस्तूरी मेथी देखिए मेरी, और मेथी तो मेरी हमेशा, मेथी क्या फ्रेंड, मेरी सारी सब्जियां इतनी हेल्दी होती हैं कि बस मन करता है कि आपको दिखाती रहूं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इस पर हो रही है, और कुछ ले लेती हूँ मैं गाजर, ये
गाजर तो ये देखिए फ्रेंड कितनी हेल्दी गाजर है। और अपने घर की इस तरीके की चीज़ें मिले तो क्यों ना मन खुश हो। और ये देखिए, खुश नहीं बल्कि बहुत खुश मन हो जाता है। और ये देखिए आप, है ना, थोड़ा धनिया और निकाल लेती हूँ फ्रेंड। और ये धनिया मैं बार बार आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और एकदम से इतनी जल्दी ग्रो होता है ये कि बहुत ही जल्दी, जैसे मैं दो दिन पहले लेके जाऊँगी, दो दिन बाद आऊँगी तो ये दो दिन बाद पूरा जो है भर जाता है एकदम से। और ये अगर आप देखोगे तो ये मैंने जो है अपने एक कनस्तर में लगा रखा है। और तो इस तरीके से आपको देखिए आप कितने खूबसूरत हो रहे हैं हेल्दी। और ये देखिए मेरी कितनी अच्छी मेरी लहसुन हो रही है, ये टमाटर, ये इसमें कुछ मटर थे और ये मेरा फिर से मेथी ये प्लांट। और मेरा इनको हटाने का भी सोच रही थी लेकिन अभी भी इन पर इतने टमाटर हैं तो अभी जो है इनको हटा नहीं पा रही हूँ मैं। आप देखेंगे तो ये देखिए देखिए दिख रहे हो तो, है ना, इस तरीके से जो है देखिए सारे प्लांट पे देखिए कितने टमाटर अभी भी लग रहे हैं। ये थी फ्रेंड आज की हेल्दी हार्वेस्टिंग, ढेर सारे मटर मेरी छत पर। और मटर अगर आप देखेंगे तो कितनी हेल्दी मटर हो रही हैं आप देखिए, और बहुत ही आनंद आए। और इतनी हेल्दी चीज़ें अगर अपने घर पर मिल रही हों तो और क्या चाहिए फ्रेंड। और टमाटर देखिए आप, टमाटर कितने सारे टमाटर, और उसके बीच में एक छोटा सा और पहला शिमला मिर्च मेरी छत पर, तो बहुत खुशी मुझे हुई है इसको देख करके। और ढेरों मेरा हरा प्याज, हरा प्याज देखिए आप कितना सारा मेरा हो रहा है। तो हरे प्याज की बनेगी सब्जी। और दो तीन मैंने ले ली थी गाजर सलाद के लिए। तो इस तरीके से ये थी मेरी आज की ढेरों हार्वेस्टिंग, और बहुत खुश इसको देख करके मेरा मन हुआ। ऊपर मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी फ्रेंड, तो फिर मैं इसको नीचे ला करके फ़ोन चार्ज करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अगर बहुत अच्छे लगते हों तो आगे तक भी ज़रूर और ज़रूर से शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।